अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 11 रमज़ान है और हम लोग चोटुप्पल के पास आए हैं, अलमास पेट, जो मस्जिद अलमास है, जिसकी 423 एकड़ वक्फ अराजी है, हज़ारों करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। गुलिस्ता 2017 में भी मैं आया था, ये यहाँ पे मिशन भागीरथा का, ये बताइए आप एक मिनट, ये मिशन भागीरथा यहाँ पे काम चालू हो रहा था, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी हम लोग आए थे, जो वक्फ की ज़मीन पे बना, फिर यहाँ पे टेंट डालकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने दी, मगर वक्फ बोर्ड आती है अपने ऑफिसरों के साथ, जो बोलते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उसके बाद मंडल को एक लेटर जाता है सब। लेकिन आज ये मिशन भागीरथा बन गया है, वक्फ की ज़मीन पर बन गया है। एक तरफ KCR साहब बोलते हैं कि हम वक्फ के जायदादों को बचाएंगे, वक्फ के जायदादों को आप ऐसा बचा रहे हैं कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिस बना रहे हैं। यहाँ पे बताइए, आज यहाँ पे मार्किंग डाल दी गई है मस्जिद के बिल्कुल 30 फीट अपोजिट में। यहाँ पे 500 गज पे तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, MRO ऑफिस, इसको कौन रोकेंगे? जहाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन बचना है वहीं से लुटना शुरू हो रही है, और वही इदारा लूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये फिर 500 गज पार्किंग के लिए देंगे, पीछे 500 गज छोड़ रहे। तो ये मस्जिद का सिवाय आप लोगों के कोई पुरसान हाल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाना है हमारे को। आज हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम लोग एक होके आए हैं और आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं। आज देखिए, ये मस्जिद उस दौर में बनी है, 423 एकड़ ज़मीन छोटी ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज बन गए हैं और 2113 यहाँ पे नोटिसेस भी पहुँच चुके हैं, जब खुसरो पाशा चेयरमैन थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं सलीम साहब से शहरी में भी बात करा, मैं टीम को भेज रहा हूँ, बोले सलीम साहब टीम भेजे, लेकिन टीम को मैं ठहरने के लिए बोला, 5 मिनट में टीम आई चले गई। कहाँ है MRO ऑफिस? MRO ऑफिस गया, वहाँ से भी भाग गए, इसीलिए भागे ये लोग। ये लोग के पास कुछ है ही नहीं, क्या पावर्स है वक्फ बोर्ड के पास? KCR साहब, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रोकते बोले थे, जुडिशियल पावर अगर आज देते थे तो कोई MRO की, कोई तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वक्फ की ज़मीन पे मस्जिद के बिल्कुल सामने। और ये मस्जिद की 423 एकड़ ज़मीन है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 423 एकड़, वो पहाड़ भी इस मस्जिद में आता, ये पहाड़ भी इस मस्जिद में आता, यहाँ पे कई फैक्ट्रीज है मस्जिद में आते, सामने के हाईवे की, सामने की रोड की ज़मीन भी यही मस्जिद में आती है, लेकिन ये मस्जिद को तंग कर दे रही। यहाँ बिल्कुल सामने ये डाल दिए, यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस, यहाँ पे बिल्कुल प्लॉटिंग, मस्जिद एक छोटे से हिस्से में कर दे रही ताकि एक्सपैंड ना हो सके। ये पहले मस्जिद को घेरते हैं, बाकी वक्फ जायदाद को घेरते हैं। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे, आप आके इसको कैसा रोकते रोकिए, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घरों के लिए बराबर काम करेंगे। जब तक हमारे अंदर खून है, जब तक हमारे अंदर सांस है, अल्लाह सुबहान व तआला की जायदाद बिल्कुल बचाएंगे। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के गए सो ज़मीना है। अरे भाई, आज हम परेशान हैं, और कोई बोलो आप, कोई शहर का बड़ा रियल स्टेट वाला, कोई बड़ा शहर का पैसे वाला एक एक कर ज़मीन शहर में दे रहा कब्रस्तान के लिए, कहीं नहीं कोई चीज़ इमदाद हो रही है वक्फ बोर्ड में? कोई एक जना आज तक इतने साल में, मैं वक्फ बोर्ड का काम कर रहा हूँ 10-12 साल से, एक आदमी नहीं देखा जो अपनी जायदाद वक्फ करा। गया वो दौर, एक ही ज़मीन वह वक्फ नहीं कर रही, कब्रस्ताना लूट रही। आज देखो कब्रस्तानों का प्रॉब्लम है, आप हम इस दुनिया से अगर चले गए तो हमारे लिए कब्रस्तान नहीं है। ज़िंदगी में बचा लो, ज़िंदगी में कर लो हर चीज़, घर गृहस्थी, बोले दावत अहबाब नहीं होता, मार्केट में निकलना पड़ता, कौम के लिए निकलना पड़ता, जस्तजू करना पड़ता। आज हम सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए, 50-60 किलोमीटर इसीलिए आए कि हमारे को नाम की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए। हम रोज़ा रहते अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ज़कात देते अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नमाज़ पढ़ते अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आज अल्लाह की जायदाद भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, किसी में काबिलियत नहीं है वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को। क्या यहाँ का ऑफिसर तनख्वाह उठा रहा? यहाँ का जो भी इंचार्ज है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है, उन्होंने तनख्वाह उठा रहा? एक इंक्रोचमेंट हुआ तो नहीं मालूम होता? अरे आपके जायदाद लूट जा रहे हैं आपको नहीं मालूम, आपके मस्जिदें शहीद हो जा रहे हैं आपको नहीं मालूम? के चंद्रशेखर राव साहब, आप सेक्रेटरीट के दो मस्जिदों को शहीद कर दिए और मस्जिदें बना के देते बोले, अरे आप है सो चीज़ हमारी लूट ले रही, आप होते कौन बना के देने वाले? आज रमज़ान जैसे रमज़ान में हम सिजदा नहीं कर सके, आज जो कीड़ा नहीं दिख रहा, जो दिखने वाला कीड़ा नहीं है, वो कीड़ा हमको पूरी दुनिया को परेशान करके बता रहा है कि ऊपर अल्लाह सुबहान व तआला है, सुप्रीम पावर है। एहसास करिए,
आपका काम है जायदादों को बचाना, आप तो 3 साल से क्वारंटाइन है, आप तो वहीं पे। आज हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए, और वक्फ के ऑफिसर्स आके बोलते हैं आप भुवनगिर मंडल में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दीजिए, तनख्वाह तुम खा रही, पैसे तुम ले रही, वक्फ की जिम्मेदार तुम है, वक्फ के नए नए गाड़ियों में तुम फिर रही, और यहाँ के हम गाँव के लोग जाके कंप्लेन देना तुम क्या कर रही। सलीम साहब मैं आपसे फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ, और आपको मैं बोल रहा हूँ कल आइए आप यहाँ पे, अगर आप वफ की जायदादें नहीं बचा सकते, आप अच्छे होंगे आपका हमला खराब होगा, आप रिज़ाइन दीजिए। महमूद अली साहब आप चीफ मिनिस्टर के लिए, आप इमाम जामिन बनने के लिए दरगाहों में जाके दुआ कर रही, क्या हक से दुआ कर रही बताइए, चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें मुसलमानों के लिए, एक चीज़ बताइए। अरे चापलूसी छोड़ो, वो मुसलमान बनो जो गाजी रहता, वो मुसलमान बनो जो अल्लाह से राजी रहता। अरे कोई और हमारा दूसरा हिंदू भाई कोई मंदिर में नहीं गया चीफ मिनिस्टर साहब के वास्ते दुआ करने के लिए, चापलूसी के लिए गए आप? आओ वफ के ज्यादा ना बचाओ, आप रेवेन्यू में थे, मैं आपको कई जमीनों के बारे में बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है बोले आप, एक लेटर पैड नहीं दिया आप मेरे को, एक लेटर लिख के नहीं दिया आप, कब्रस्तानों के ताल्लुक से लेटर लिख के नहीं दिया आप। आज आप होम मिनिस्टर है, आप जिम्मेदार है, आपके साथ वाले जिम्मेदार है, वक्फ के तमाम मेंबर्स जितने वक्फ बोर्ड में मेंबर्स है, क्या कर रहे हैं आप लोग? दावतों के है, चीफ मिनिस्टर की दावत में जाने के मेंबर्स है, कौन सी एक मस्जिद बचाए, कौन सी एक जमीन बचाए, कौन सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौन सा एक बोर्ड मेंबर इंडिविजुअल आके बताया कि मैं ये एक गज बचाया। अल्लाह से डरो, चमचागिरी छोड़ो, इख्तदार आता इख्तदार जाता, 800 साल इख्तदार करे, आज 100-500 गज जमीन नहीं बचा रही, ये इबरत है हमारे लिए, अच्छे अच्छे चले जा रही, ये इबरत है हमारे लिए। चिच्चा की मोता को खानदान नहीं दे सक रहे, मामू की मोता को खानदान नहीं दे सक रही, बाप को दवाखाने में जाके नहीं देख सक रही, 8 फीट 10 फीट का गड़ा खोद के म्यूनसिपल वाटर वालों से भिजा दे रही, ये इबरत है हमारे लिए। इसकी तैयारी अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तमाम हैदराबाद के नौजवानों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, भाई बगैर कोई पार्टीबाजी के इस काम में हमारा साथ दीजिए, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए साथ दीजिए। ये जायदादें जो छोड़ के गए थे आपके हमारे लिए छोड़ के गए थे, सबसे पहले हमको शहर के कब्रस्तानों के लिए काम करना है, उसके बाद मसाजिदों के जो जायदादें हैं उसके लिए करना है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है? सो एग्जिस्टिंग किराएदारों को दम कर रही, किराए बढ़ाओ, फलाना करो, अला करो, और क्या कर रही? जो वक्फ में आके अपनी अर्जी देता, मस्जिद कमेटियों में मसरूफ़ है, CM फंड में मसरूफ़ है। अरे भाई जो आपका बेसिक काम है वो करो। वक्फ बोर्ड इतना बुरा वक्फ बोर्ड है, एक चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर नहीं है वक्फ बोर्ड में, 6 महीने में तबादला, 6 महीने में तबादला। अरे उन्हें जब तक सब्जेक्ट नहीं समझता, जब तक ये चीज़ हो जाती। यहाँ के मुतवली साहब कितने कंप्लेन दिए आप अब तक जाके, क्या एक्शन लिए आप? यहाँ के मुतवली को भी बुला के क्वेश्चन करिए आप। यहाँ मैं अब तक आया, एक बार मेरी मुतवली साहब से बात नहीं हुई, ना कोई कॉन्टैक्ट में आए। तो तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इस वीडियो को बड़े मुसलमान कायदीन तक पहुँचाइए, ताकि ये 423 एकड़ वक्फ ज़मीन बचे। यहाँ पे अब ML आए, यहाँ पे दूसरे रिपोर्टर्स आए, सब जने इससे वाकिफ़ कराए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17 में भी आया, 14 में भी आया, 17 में आके मैं यहाँ का काम रुकाया, फिर भी ये काम मिशन भागीरथी हो गया। तो ये लिहाजा मुसलमानों की ज़मीन पे KCR साहब गलत कर रहे हैं आप, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिरत की तो बात नहीं करता हूँ मैं, ये दुनिया में फार्म हाउस में ही देना पड़ेगा आप। आवाम से गुजारिश करता हूँ मैं कि इस मस्जिद की ज़मीन को बचाने के लिए आगे आइए। चोट उपल अलमास पेट मस्जिद अलमास, शुक्रिया। शहर हैदराबाद से 45 किलोमीटर दूर मस्जिद अलमास, अलमास पेट के अंदर जो चोट उपल से ताल्लुक़ रखने वाली ये ज़मीन है, यहाँ पर 423 एकड़ अराजी है वक्फ की, जिसे 2011 में तकरीबन 2000 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है नोटिसेस दिए, क्योंकि ये ज़मीन पूरी कोई प्राइवेट वाले ज़मीन कब्ज़ा करते आ रहे हैं, कभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कब्ज़ा होते आ रही है। आज पूरे तेलंगाना के अंदर वक्फ के जितने जायजाते हैं उसे एक के बाद एक लूटा जा रहा है। KCR साहब, आप जिस बुनियाद डाल के जो ठहरे हुए हैं, आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आपने कहा कि मुसलमानों को वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे। आज अगर आप जुडिशियल पावर दिए होते तो
तो ये ज़मीना इस तरह से कब्जा नहीं हो जाती। देखिए प्राइवेट लोग कब्जा कर रहे हैं, गुंडागर्दी से कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उनको रोके। लेकिन आज जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है जो 17 एकड़ जो कब्रस्तान है यहाँ के अलमासपेट का कब्रस्तान, इस कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बन गई। क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के सलीम साहब आप बड़े बड़े बातें करते, जब कभी भी बात निकलती, जब कभी भी आवाज़ निकलती तो आप बोलते ऐसा नहीं होगा, वो होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो फला कर दूंगा, मैंने टास्क फोर्स टीम छोड़ दी। आपकी टास्क फोर्स टीम जो है यहाँ पर आई, जब हम उनको बोले कि ठहरो यहाँ पे, वो लोग ठहरे नहीं, यहाँ से भाग गए। तो देखिए आपकी टास्क फोर्स टीम ऐसी है। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब से चैलेंज कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड सलीम साहब अगर आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आप पहली बार बने आपको नहीं मालूम है वक्फ की जायदाद किस तरह से तहफ़ किया जाते तो मैं यकीन कर सकता था, लेकिन आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आज भी आप ये बात बोल रहे ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता तो आप झूठ बोल रहे, आप फौरी रिज़ाइन करिए, वरना जो है ना हम जो है ना वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने हम हैदराबाद से आज हम सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी आए और जो हम 100 की तादाद में यहाँ पर आएंगे, मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है ये तकरीबन 423 एकड़ अराजी जो वक्फ की जायदाद है इसको लूटा जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से TRS गवर्नमेंट लूट रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टीज लूट रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, कब्रस्तान के ऊपर जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाए जा रहे हैं। अगर हम आज नहीं देखते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे खुद को गढ़ने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। नौजवानों जागो, आप तमाम लोगों को जागने की जरूरत है। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है आगे जो भी इसका जो फैसला होगा, कल अगर वक्फ बोर्ड सलीम साहब अगर यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लेंगे तो उसके बाद हम वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे पूरे हैदराबाद के नौजवान मिलकर। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग चोटुप्पल आए हुए हैं ये कुतुबशाही मस्जिद के सिलसिले में, जिसकी वक्फ अराजी है 423 एकड़। इसमें TRS गवर्नमेंट का और सलीम साहब का बहुत बेहतरीन कारनामा रहा कि उन लोग इतनी अच्छी प्लानिंग से, इतनी बेहतरीन तरीके से इसको सेफ करें, 423 एकड़ को 423 गज कर दिए। अभी आप मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद की जो बाउंड्री उठी हुई है वो मस्जिद की बाउंड्री 423 गज पे है। तो इन लोग 0.1% सिर्फ छोड़ रही, 99.99% खा जा रही, मगर ये एक 423 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये केस इतनी हवा पकड़ेगा, सलीम साहब की फ्यूचर का डिसीशन यहाँ से होगा इंशाल्लाह कि उनकी सीट बाकी रहेगी या उनको रिज़ाइन देने पे मजबूर करेंगे। सारे हैदराबाद के लोगों को लेकर यहाँ पे हम धरना देंगे, यहाँ के साथ साथ वक्फ बोर्ड पर भी, वक्फ बोर्ड का भी घेराव करेंगे। अभी तक ये बात समझ में आती थी कि लोग राउडी शीटर्स, लैंड ग्रैबर्स ज़मीनों पे वक्फ का कब्जा कर रहे हैं, मगर ये KCR साहब का वक्फ लैंड ग्रैबर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आज MRO मस्जिद के सामने आके ज़मीन पे मार्किंग करके MRO डिपार्टमेंट, MRO ऑफिस से लोग आके जा रहे हैं, तो कितनी बेशर्मी की बात है। ये मार्किंग करे आज यहाँ पे, अब कल यहाँ से काम शुरू होने वाला है इनके हिसाब से, मगर हम इंशाल्लाह ये ज़मीन ये यहाँ पे इनको खबर, इनके ये जो गड़े खुदेंगे ये गड़ों को हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत में गड़े खुदने नहीं देंगे, जब तक के चाहे हमारी खबरें खुद जाए परवाह नहीं है, मगर हम ये यहाँ की मस्जिद की ज़मीन पे गड़े खुदने नहीं देंगे। और सलीम साहब के आसपास के कुछ चमचों को मैं देखा कि एक मस्जिद को जाके चूना दलाए, 200 रुपये का चूना दलाने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर वाह वाह कर रहे हैं। सलीम साहब जो है शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर ले रही, उसमें से छटाक शक्कर लेके फातिहा दिला के बांट दे रही, तो छटाक शक्कर बांटे बोल के पूरा हैदराबाद में बम पिटारा कर रही, मगर उन्होंने जो छटाक शक्कर बांट रही वो एक शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर रही। यहाँ से 423 गज, ऐसे कई इश्यूज है, जैसा कि LB नगर, आटो नगर में एक वहाँ पे SSIIT डिपार्टमेंट एक है, वो डिपार्टमेंट 50 एकड़ जो 51 एकड़ ज़मीन थी, TSIIC डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे 51 एकड़ में 50 एकड़ कब्जा कर लिए, और यहाँ पे 423 एकड़ में से 423 गज छोड़ के बाकी की पूरी कब्जा कर लिए। तो ये TRS का कारनामा है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रमज़ान के बाद इस ये यहाँ के इस इशू से सलीम साहब के बाकी रहने का सिलसिला तय करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।
मकान का ही मामला है भाई। ये यहाँ की खवातीन भी आई है इस मस्जिद का, जैसा उनको मालूम हुआ वो आके यहाँ पे बैठ के काम रुका दिए। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, हमारी ऐसे माँ बहन हैं बल्कि भी हमको बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखो आप, मर्द आने से पहले यहाँ पे हमारी खवातीन आए बात करिए आपसे। अभी मस्जिद के ताल्लुक से जो यहाँ ज़मीन पे मौजूद आने वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वक्फ बोर्ड वाले और मुतवली ये दो जने भी यहाँ के ज़मीन आप बेच ले रहे हैं। ये लोग नहीं करने से मैं औरत को मंडल ऑफिस उधर पुलिस स्टेशन वहाँ जाके सिफारिश करना पड़ा। अगर वक्फ बोर्ड वाले करे तो मेरे को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। शुक्रिया। ये उम्र में ये लोग, ये घरों में आराम करने का वक्त है, ये वक्त पे इन लोग को वक्फ बोर्ड की आप कारस्तानी देखिए कि इन लोग को जैसे पैरवी करने लगा रहे हैं अपन। और इनका ये कहना, यहाँ के ये पुराने पट्टेदार है, इनका ये कहना है कि इन लोग इनको बोल रहे हैं कि कंप्लेन करो और वक्फ बोर्ड वाले आके यहाँ पे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। शुक्रिया।